और आपको मुंगेली से बता दें, जहां पर नगर पालिका नगर पंचायत केंद्र में सीएमओ के निर्देश के बावजूद भी एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। दरअसल नगर पंचायत पथरिया के बस स्टैंड के पास कलेक्टर पट्टे की आबादी वाली जमीन पर अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने पथरिया एसडीएम को मामले की जांच करने और निर्माण कार्य में रोक लगाने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद सीएमओ ने निर्माण कार्य को रोकने के आदेश भी जारी कर दिए। लेकिन सीएमओ के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। हालांकि एसडीएम जहां पर निर्माण कार्य बंद होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर ने मौके की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की बात कही है। लगा हुआ था और अभी भी कार्य बंद है। अगर कार्य चालू होता है तो उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वहां पे कार्य हमारे विभाग द्वारा उसका डायवर्सन का एक केस है, जिसके परिपेक्ष में एक नोटिस उसको जारी। जानकारी के अनुसार स्टे दिया गया है और शनिवार को कंप्लेंट मिली थी कि स्टे के बावजूद भी कार्य जारी है, तो एसडीएम से जो रिपोर्ट मिला है उसके अनुसार तो अभी आज की तारीख में कार्य बंद है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो पुनः एक बार परीक्षण कराकर जो नियमता कार्रवाई है वो की जाएगी। रोहित कश्यप हमारे साथ मुंगेली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार इस तरह के मामले यहाँ से सामने आ रहे हैं कि धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है, कलेक्टर पट्टे वाली भूमि होने के कारण काम रोका गया था, सीएमओ ने सख्त निर्देश दिए थे, निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए बस स्टैंड के पास कॉम्प्लेक्स का निर्माण, आखिर कैसे? देखिए, बता दूं कि ये जो पूरा मामला है मुंगेली जिले के नगर पंचायत पथरिया का है, जहां पर बस स्टैंड के पास नगर पंचायत बिना परमिशन के अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। ये जो जमीन है कलेक्टर पट्टे की जमीन है और काफी साल पहले इस जमीन को कलेक्टर द्वारा आवंटित किया गया था, लेकिन वहाँ की जो जानकारी के अनुसार जो कुछ भू माफिया है जो बेधड़क और धड़ल्ले से नगर पंचायत सीमो के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए लगातार काम जारी कर रहे हैं, काम चल रहा है, जबकि सीएमओ ने काम पर रोक लगा दिया है और कलेक्टर ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था, जिसकी खबर स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने तत्काल रोक तो जरूर लगा दी, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से काम जारी है, जो की प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। शुक्रिया रोहित जानकारी को साझा करने के लिए।